sleep is required to remember, to acquire skills which we all want, but also to forget the negative. अब imagine नहीं करोगे, हर महीने दो patients ऐसे होते हैं जिनको psychogenic cough होती है, brain में problem है, खांसी कर रहे हैं, chest ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है. Can you imagine किस type के बच्चे हैं ये? ये कोई duffers नहीं है, class में toppers. सारे, मतलब मेरे हिसाब से मैं 27 years हो गए मेरे को post MD. एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जो क्लास में लो एवरेज था, सारे टॉपर थे. सोशल प्रेशर था उनके ऊपर टॉप में रहने का. एक नया प्रेशर शुरू हो जाता है हमारे यहाँ, मेरे बच्चे को फुल अटेंडेंस मिले, मतलब मैं ये कहता हूँ ये क्या बकवास. आप इमेजिन नहीं करोगे, हर महीने दो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको साइकोजेनिक कॉफ होती है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, खांसी कर रहे हैं, चेस्ट ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है. कैन यू इमेजिन किस टाइप के बच्चे हैं ये? ये कोई डफर्स नहीं है, क्लास में टॉपर्स. सारे, मतलब मेरे हिसाब से मैं 27 इयर्स हो गए मेरे को पोस्ट एमडी. एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जो क्लास में लो एवरेज था, सारे टॉपर्स थे. सबकी मदर्स, 90% की मदर्स क्या थी? टीचर्स थी. सोशल प्रेशर था उनके ऊपर टॉप में रहने का. एक नया प्रेशर शुरू हो जाता है हमारे यहाँ, मेरे बच्चे को फुल अटेंडेंस मिले, मतलब मैं ये कहता हूँ ये क्या बकवास. मीन्स ये स्कूल की तरफ से क्या प्रमोशन हो रहा है? कूल डेज, बारिश आ गई हम खुश हो जाते थे, आज छुट्टी, उसकी खुशी क्या स्ट्रेस बस्ट करती थी आपको, राइट? आज मेरे को अगर आप, आज आप मेरे को बोल दो कि तू हॉस्पिटल ना जा, दो दिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊं तो मैं शायद बीमार हो जाऊं. क्यों? उसी चार दीवारी में बैठ के आपको पूरे दो दिन काटने हैं. इट इंड्यूसेस स्ट्रेस, हर तरीके की प्रॉब्लम आएगी, सोशल प्रॉब्लम आएगी, मदर पेरेंट्स में प्रॉब्लम याद आएगी आपको, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम याद आएगी. जैसे ही आप वर्क प्लेस पर जाते हो, 10 लोगों से मिलते हो, 2 जोक लगते हैं, आप भूल जाते हो क्या आप लीगेसी, नेगेटिव लीगेसी कह रही है. एक लास्ट वाक्य, एक चीज़ बताता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है, स्लीप. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्ट्रेस, स्लीप, सुरा एंड स्मोकिंग, ये चार फैक्टर्स हैं ऐसे जो कहते हैं अगर आप कंट्रोल कर लो चीज़ें बेटर हैं, राइट? और शुगर, राइट? स्लीप कहते हैं लोग की याद करने के लिए. अगर मैंने आज कुछ याद किया है, मैंने आपसे कुछ एक्वायर किया है, अगर मैं नहीं सोऊंगा आज तो उसकी एफिकेसी 10% रह जाएगी. मैंने 10 स्किल्स याद की, मेरे को 2 स्किल्स रह जाएगी, मैं 8 आई विल फॉरगेट. ये स्लीप का काम है. स्लीप उसको भेजता है उन जगहों पे जहाँ पे डीप लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है, वो लॉन्ग टाइम सस्टेन्ड रहती है. अनदर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज, सोना आपको याद करने के लिए नहीं है, कुछ चीज़ें भूलने के लिए है. आज मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो नेक्स्ट डे मेरे अंदर वो घूमती रहेगी. स्लीप इज सेट दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉरगेट नेगेटिव थिंग्स. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइथोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल साइंस. सो स्लीप इज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, टू एक्वायर स्किल्स विच वी ऑल वॉन्ट, बट ऑल्सो टू फॉरगेट द नेगेटिव. एंड प्रॉब्ली स्ट्रेस, स्लीप, हाई शुगर डाइट एंड ऑल दिस प्रमोट्स प्रॉब्लम. And ultimately, it is all pro-inflammatory state leads to obesity. And obesity, हमें सबको मालूम है. और actual में अगर हमने prevent करना है, it has to start from pediatric age group. 3 obese pediatric जन्म देते हैं 2 adult obese को, मतलब 3 obese pediatric age group के ultimately उनमें से 2 obese adult बनते हैं. और body figure आपकी ख़राब हो गई तो psychological problem होनी है. फिर आप अपने ऐप्स यूज करते रहो अपने आप को पतला करके फिर फेसबुक में डालने के लिए, राइट? सो प्रोबेबली प्रिवेंशन इज द क्योर, माई फीलिंग इज दैट.